नमस्कार आप सभी भाई लोग के नमस्कार प्रणाम बा। और आप सभी लोग को मैं बिना बताए जो लाइव आया हूँ, इसमें आज किसी गीत का प्रमोशन नहीं है, किसी बात का प्रमोशन नहीं है, किसी के लिए कोई गाना बजाना सेलिब्रेशन का प्रमोशन नहीं है। दुख है, एक एक दिल में दर्द है कि आज जो काम आज खेसारी लाल यादव जी किए हैं, उनका मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आईडी देखा, पोस्ट किए हैं, जो ये काम शायद एक साल पहले सबको मिलकर करना चाहिए था, क्योंकि चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हों, चाहे बड़े भैया पवन सिंह जी हों, या कोई भी कलाकार हो, कलाकार आकाश में पैदा नहीं होता है, कलाकार भी धरती पे ही पैदा होता है, वो भी किसी के कोख से पैदा होता है, किसी परिवार में ही जन्म लेता है, किसी परिवार से और किसी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति का, जैसे खेसारी लाल यादव जी को मैंने देखा आज पोस्ट, वो पोस्ट किए हैं, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं किसी चीजों पे बोल रहा हूं। वो बेटी बेटी है, वो पत्नी पत्नी है जो उनकी वाइफ है, और किसी भी कलाकार को या किसी भी व्यक्ति को, कलाकार ही क्यों, किसी भी व्यक्ति को उसके माँ, उसके बाप, उसकी बीवी, उसके बच्चे को आप निधड़क गाली दीजिए सिर्फ इसलिए कि आपको पैसा कमाना है। एक छोटा सा सवाल, जितने भी लोग भोजपुरी कलाकार को गाली देते हैं, जितने भी लोग भोजपुरी कलाकार के ऊपर न्यूज बना के अपना परिवार चला रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, उनको इस बात का शर्म भी तो आना चाहिए कि आपका घर भी चलता है उसी भोजपुरी कलाकार के नाम लेने से, उसी भोजपुरी कलाकार के ऊपर न्यूज बनाने से। आपको इस बात का शर्म भी है, आपको इस बात का शर्म भी नहीं है कि आप इस, देखिए किसी का फोन भी आ रहा है, इस भैया है जरा बात कर लीजिए, इस बात का शर्म नहीं है आपको कि आप खेसारी लाल यादव के बेटी को गाली दे रहे हैं, उनकी पत्नी को उल्टा बोल रहे हैं। खैर हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, एक बात खेसारी लाल यादव जी, अब पवन सिंह जी का कोई मुद्दा गया है कोर्ट में, एक बात बोल रहे हैं, तो क्या हर आदमी का जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता है? पर्सनल लाइफ को, पर्सनल जीवन को, अपना अपना रोटी कमाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, अपनी बातों को दिन भर रखने के लिए आप न्यूज चलाइए ना, आपको किसने मना किया है? आप बात अपना रखिए ना, आप अपनी बात रखिए, आप जो करते हैं, जितने भी लोग आज न्यूज चला रहे हैं भोजपुरी भाषा के ऊपर, भोजपुरी कलाकार के ऊपर। और एक बात और, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक बात बता दूं, एक भी आदमी भोजपुरी को, भोजपुरी भाषा के ऊपर अपना 5 रुपया खर्चा नहीं किए हैं। ये बोलने का ताकत किसी में हो या ना हो, एक भी आदमी, जितने लोग आज भोजपुरी भाषा के ऊपर न्यूज चलाते हैं, भोजपुरी कलाकार के नाम धर धर के रुपया कमाते हैं, उनकी औकात नहीं है कि कभी 100 रुपया भोजपुरी भाषा के ऊपर खर्चा किए हों, भोजपुरी के किसी कलाकार को बढ़ावा दिए हों, भोजपुरी का कोई गरीब का कलाकार हो तो उसका एक एल्बम करा दिए हों। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। अगर ये बात बोल दिया जाए तो इसमें पता नहीं कितना बवाल हो जाएगा कि राकेश मिश्रा ने क्यों आगे बोला। और हां, जो भी लोग गाली दे रहे हैं वो एक मामले में ठीक हैं, उनको ये पता है कि ये भोजपुरी के जो कलाकार है ना, इनके शरीर में खून नहीं है। और नहीं तो इन कलाकारों से जब कहो कि भाई तुम्हारे माई बाबू जी को गाली दे रहे हैं, तुम कुछ बोलते नहीं हो, तो कहते हैं कि हमको हाईलाइट नहीं करना है किसी को। आज आपको ऐसा नौबत आया ना कि आपको पोस्ट करना पड़ा। इसी बात को मैं पिछले एक साल से लोगों से बार बार लाइव में बोल रहा हूं कि ये गलत हो रहा है, आप अपनी बात रखिए, गाने का विरोध कीजिए, एकदम कीजिए। आप गाना का विरोध थोड़े कर रहे हैं, आप अपना घर चला रहे हैं। एक भी आदमी अगर बता दे कि हम गीत संगीत, तो आप गाना का विरोध कर रहे हैं, तो चलिए ना, एक भोजपुरी गायक के ऊपर 1 लाख रुपया ऑडियो वीडियो बनाने में लगता है, लगाइए। तो आपको हम मैंने मर्द मानेंगे अगर आप एक भोजपुरी कोई गरीब का लड़का गा रहा हो और उसमें जाके 1 लाख रुपया लगा दीजिए। आप उसी भोजपुरी भाषा से कमाते हैं ना,
सबसे बड़ा तो शर्म का बात है कि भोजपुरी में न्यूज बनाने वालों में 70% लोग भोजपुरी भाषा बोलने नहीं आता है, 70% लोगों को भोजपुरी भाषा अच्छे से बोलने नहीं आता है, हाँ? और आज दुकान खोल खोल बैठ गए हैं अपने घर में। 2005 में ये मीडिया कहाँ था? 2004-5 में जब हम लोग कैसेट के दुकान पे पोस्टर साटते थे, जब कैसेट घामा में बांटते थे, जब कैसेट बांट बांट के ट्रैक्टर में और ट्रक में और हम लोग प्रचार करके यूपी बिहार एक मोटरसाइकिल से एक करते थे, दिन भर धूल पाकते थे, घाम खाते थे, धूप में जलते थे, वो चाहे पवन सिंह जी हो, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो, चाहे कल्लू हो, हम जितने लोगों को जानते हैं, जिनको हम जिस समय से जानते हैं, हाँ? आज 2 साल में यूट्यूब ने पैसा का फॉर्मेट दे दिया, तो साला घरे घरे दुकान खोल के बैठ गए हो, गली गली दुकान खोल के बैठे हो, और गाली कहां से देना है? एक बंद कमरे से गाली देना है, बाहर तो आना ही नहीं है, गाली देना है बंद कमरे में। चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो, क्या उनकी बेटी हमारी बेटी नहीं है? बेटी किसी की हो, और गाने बजाने से हर बात बेटी और मां के साथ जोड़ देते हो। हजार रिश्ते होते हैं लोगों के जीवन में, हजार रिश्ते होते हैं। मुझे पता है कि इस बात पे भी आज भी 2-4 घटिया लोग होंगे जो मैसेज गंदा गंदा करेंगे, क्योंकि दुनिया को लगता है ना कि होकर बेटी के अनुगाली देता, क्या हो गई हमारा चुप रहे के बाद। राकेश मिश्रा को कोई फायदा नहीं है खेसारी लाल यादव से, या खेसारी लाल यादव के फैन से, या पवन सिंह जी से, हम क्लियर बोल रहे हैं, किसी से हमको कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनकी मां हमारी मां है, उनकी बेटी हमारी बेटी है, उनका सबके परिवार। आप कलाकार के ऊपर जो करना है करिए, आप कलाकारी के ऊपर बात कीजिए ना, रोज लड़ाई कीजिए ना, गाने बजाने पर लड़ाई कीजिए। आप किसी बेटी को उल्टा सीधा बोलेंगे, उसकी बेटी जवान हुई, आप जवानी देखने वाले हो गए हैं? आपके घर पे कोई गया है देखने? आपके लिए कभी कोई गलत बोला है? किसी ने भी बोला है? मुझे बताइए, किसी कलाकार ने आपके परिवार का कभी थी अवहेलना किया है, चाहे वो कोई हो? हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं बोल रहे हैं, आपको न्यूज बनाने का अधिकार है, ठीक है, सोशल वर्किंग यूट्यूबर होना चाहिए, आज का जमाना है, जैसे चलना चाहिए, लेकिन न्यूज बनाना चाहिए ना। आप बोलते हैं भोजपुरी में क्या किए हैं भोजपुरी कलाकार, करोड़ों रुपया लगाए हैं हम लोग गाने बनाते हैं, तो करोड़ों रुपया 15-20 साल में मेहनत करके न जाने कितना मेहनत होता है ना? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूं भाई, मैंने बोला ना कि ना पवन सिंह जी मुझे खाना के देते हैं, ना खेसारी लाल जी मुझे खाना खाने के लिए देते हैं, लेकिन ये एक परिवार है, एक भाईचारा है, एक रिश्ता है, बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि राकेश मिश्रा कोई गाली देगा तो पवन जी नहीं बोलने आएंगे, खेसारी जी नहीं बोलने आएंगे, रितेश जी नहीं बोलने आएंगे, कल्लू जी नहीं बोलने आएंगे, लेकिन सब लोग मत बोलिए ना भाई। जब अपने पे आएगा तो आपको समझ में आएगा ना कि गाली 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 जब मां बहन का पड़ता है परिवार पे तो कितना गंदा लगता है। आप एक परिवार हैं। भोजपुरी भाषा को पिछले 2 साल में आप बोलते हैं भोजपुरी खराब, भोजपुरी अच्छा खराब आज से 10 साल पहले का नहीं हो रहा था, हाँ? अपना अपना धंधा चलाने के चक्कर में कि किसका यूट्यूब से कितना पैसा मिलेगा, जिनकी औकात झोपड़ी में रहने की नहीं थी, वो भोजपुरी गायक का नाम ले लेकर और भोजपुरी कलाकारों के ऊपर यूट्यूबर वीडियो बना बना के भोजपुरी भाषा के ऊपर उल्टा सीधा गंदा बंदा फोटो फाटो लगा के मां बहन गाली गलौज करके धंधा चला रहे हो। धंधा चलाने का शौक है तो कुदार उठाओ ना। ये जितने गायक स्टार बने हैं ना, यूट्यूब के स्टार नहीं है। हम उन गायकों को भी बोलना चाहते हैं, हम उन गायकों को भी बोलना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत नहीं किया है, उनमें भी कमी है। वो भी अगर किसी बेटी बहन का नाम लेके और किसी किसी परिवार के ऊपर गंदा उल्टा सीधा बोलते हैं, धांस देव उखाड़ देव, नहीं होना चाहिए। आप गायक हैं तो आपकी औकात है, तो जाइए ना मेहनत कीजिए, दिन भर में हारमोनियम 8 घंटा बजाइए ना, नहीं बजा पाएंगे। तो आज यूट्यूब आ गया है तो सोशल मीडिया का मतलब है कि जितने भी लोग हैं 5 मिनट के अंदर हमारा चर्चा हो जाए और 5 मिनट के अंदर हम करोड़पति हो जाएं। काहे भाई,
यहाँ लोग पागल है कि 17-18 साल से मेहनत करके अपने अपने लोगों के बीच में, अपने दर्शकों के बीच में, अपने समाज के बीच में, अपने सिस्टम के बीच में आदमी मेहनत कर रहा है, किस लिए कर रहा है भाई, किस लिए कर रहा है जरा बताइए ना। इसलिए कर रहा है कि खेसारी लाल जी पिछले 15 साल से गाना गा रहे, इसलिए कि उनकी बेटी के ऊपर आप कमेंट करिए, उनके मेहरारू के ऊपर बोलिए, उनके परिवार के ऊपर बोलिए, वो आपके परिवार को कभी क्षति पहुंचाने आए हैं। ठीक है, गाना 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 बजाना उनका अपना स्टाइल है, गाने का सबका अपना अपना स्टाइल है। हम मानते हैं कि गाने बजाने में अच्छी बुरी चीजें हो सकती है, गाना बजाने पे आपको बात करना चाहिए। राकेश मिश्रा का औकात मत पता करो, जो भी हो तुम, आपलूस चापलूस के चक्कर में हम नहीं रहते हैं। हम इतना ही बोल रहे हैं कि अगर जो गाली तुम किसी को देते हो, अगर वो गाली तुमको कोई लाइफ में आके दे तो तुमको कैसा लगेगा ना? एक तो अपना अपना घर चलाने के चक्कर में, अपना अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, अपना अपना स्टारडम बढ़ाने के चक्कर में, अपना अपना यूट्यूब धंधा चलाने के चक्कर में पूरे के पूरे भोजपुरी समाज को जात पात जहर से घोल के भर दिए हैं लोग। पिछले 2 साल में जितना नरक मचा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आज गाने बजाने के ऊपर कोई बात नहीं करता है कि गाना कितना अच्छा आया है। आज लोग बात करते हैं कि हाँ फलाना फलाना के गाड़ी दिले है, फलाना फलाना के बोलले है, फलाना फलाना के उल्टा सीधा बोलले है। अरे मत सुनो ना भाई, आपको गाना अच्छा नहीं लगता है मत सुनो, आपको गाना अच्छा नहीं लगता है मत सुनो। जबरदस्ती कहां कोई कलाकार जाके आपको बोलता है कि आप गाना बजाइए, कोई आपका कॉलर पकड़ के कहता है कि नहीं बजाइए, आपको जो अच्छा लगे वो सुनिए। लेकिन दर्शक दर्शक को बोलते हो, दर्शक बार बार मां बहन मां बहन मां बहन कह के अपना धंधा चला रहे हैं, जितने भी लोग न्यूज बनाने वाले मां बहन और दर्शक को अपना हथियार बना लिए हो। तुम लोग को लगता है कि भोजपुरी में दर्शक बहुत बड़ा मूर्ख है, जिनको यूट्यूब पे गलती सलती फोटो लगा के उल्टा सीधा निकाल के लिख के गंदा संदा सब कुछ और हम बुड़बक बना रहे हैं और पैसा खुद कमा रहे हैं। हाँ, तुम लोग कितना तेज हो यार कि तुम लोग अपने अपने 10,000, 20,000, 50,000 1,00,000 के लिए स्वार्थ के लिए नरक मचा कर रख दिए हो। जब मन करता है किसी गाय के बेटी बहन माई को गाली देने लगते हो, किसी के परिवार को टारगेट कर लेते हो, कोई बेचारा कुछ जानता भी नहीं। अब देखिए पवन भैया का ठीक है, चीजें हो गई कहीं गया मैटर, अब पवन भैया का वो लाइफ है, पवन भैया की अपनी जिंदगी है, पवन भैया समझेंगे। अब पवन भैया बेचारे अभी तक एक शब्द भी अपने बारे में हो सकता है जाने होंगे नहीं जाने होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका खाली माहौल बना कि नहीं कि चारों तरफ एकदम, अरे यार किसने आपको एग्रीमेंट दिया है कि आप किसी कलाकार का नाम बेच के और किसी का पारिवारिक जिंदगी बेच के और किसी के ऊपर दिन रात गलत सलत बातें लिख के और आप कमाओगे? कौन अधिकार आपको दिया है? आपको इसकी कानूनी अधिकार है कि आप किसी के ऊपर कुछ भी लिख के और उल्टा सीधा बोल के और गाली गलौज दे के आप कमाओ? हाँ ठीक है, तुम बोलते हो ना कि भोजपुरी में कलाकार नहीं बोलते हैं, तुम लोग के भाषा में कलाकार के अंदर खून नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, मेहरारू नहीं है, कोई नहीं है, कलाकार आकाश में से आए हैं, बस तुम ही लोग इंसान हो। जितने लोग कलाकार को आज लड़ा रहे हैं, भिरा रहे हैं, गाली गलौज नोच खरोच बेच रहे हैं, वही महान है। हमको नहीं पता है, हमको पता है कि हम बोलेंगे तो कल सुबह सुबह तुम लोग सारे लोग एक साथ खड़े हो जाओगे। सबकी गलती है, हम उस गायक की भी गलती मान रहे हैं जो गायक अपना 5 मिनट में हिट होने के लिए, अरे भाई 5 साल इंतजार करो, 2 साल साल भर मेहनत करो। खेसारी पवन या राकेश या रितेश या कल्लू कुछ भी बनने का सपना देखते हो तो उतना समय दिया करो अपने ऊपर बनने के लिए। ये लोग अपना दिए हैं 10-10, 15-15 साल 5 साल, 7 साल, 8 साल मेहनत किए हैं। 5 मिनट में आओ और गाली गलौज कर दो और अपने को बोलो कि हम सुपरस्टार, 5 मिनट में यूट्यूब खोलो, एक दिन में खेसारी के परिवार के ऊपर चाहे किसी कलाकार के ऊपर किसी के चीजों के ऊपर गाली गलौज कर दो, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। हाँ
कभी कभी एक बार ना, कभी एक बार ना मन शांत करके सोचा करो कि किसी के भी परिवार के ऊपर बोलोगे, कोई भी बोलेगा, लेकिन किसी दिन आपके परिवार के ऊपर बात आएगी तो आपको कितना बुरा लगेगा। इस दुनिया में कलाकार एक ऐसा जात है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं है। हमको गाली देने वाले भी मेरे भाई हैं, हम कभी किसी को अपना गैर नहीं बोले हैं। अरुण सिंह काका, हम परेशान नहीं है, हम जानते हैं रोटी सेकना है, सब लोग रोटी सेके, लेकिन परेशान की बात नहीं है। हम ये भी, अब हम तो पहले ही लाइव में बोले कि हमको ना खेसारी जी सपोर्ट करेंगे, ना पवन जी आएंगे, कोई नहीं करने आएगा। लेकिन बात है एक परिवार की कि कलाकार भी आकाश से नहीं आता है। अरुण सिंह भैया, आपके भी मान लीजिए आपका भी परिवार है, आपका भी मान सम्मान है, हर व्यक्ति का मान सम्मान है। बिजनेस पे बात कीजिए, धंधा पे ड्रामा कीजिए, जितना करना है। कटु सत्य है, बातचीत होता है, कोई अच्छा नहीं है, कोई गंगा जी का धोया हुआ नहीं, बातचीत होनी चाहिए बेटी बहन परिवार को छोड़ के। जब आपके परिवार को पर्सनली कोई टारगेट नहीं कर रहा है तो आप मत उसको टारगेट कीजिए। हम किसी के देखिए, हम किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम पूरा फॉर्मेट बोल रहे हैं। हमको भी पता है अरुण सिंह भैया, ये पूरी भोजपुरी कलाकार जो है, ये जीवन में अगर ठीक ही रहते और इनमें समझदारी होती है, ये एकता ही रहता तो ये तो खुद ही मजा लेने में बैठे रहते हैं कि चलो राकेश मिश्रा का वो बर्बाद हो गया, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, राकेश मिश्रा को सपोर्ट नहीं करना है, ना 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये सिस्टम आप क्या मैसेज करेंगे, हम खुद समझ रहे हैं। लेकिन हम लाइव किसी के लिए नहीं है, हम खेसारी लाल यादव जी के लिए लाइव नहीं है, पहुंच हम किसी के लिए नहीं है, हम परिवार के लिए हैं। हम परिवार के लिए हैं कि पूरा का पूरा परिवार इसमें दोषी नहीं है। माँ हो, बेटी हो, मेहरारू हो, चाचा हो, चाची हो, आप घर परिवार को टारगेट करेंगे। अरुण सिंह भैया, आपका बात एकदम सही है, हम कैसेट के जमाना से हैं, आप जानते हैं मुझे। लेकिन मेरा यही का नाम है कि आज के कलाकार को भी, हम सिर्फ ये नहीं बोल, एक भी रिपोर्ट बोलने वाले भाई में गलती नहीं है। आप रिपोर्ट करिए, आप गानों के ऊपर बात कीजिए, पूरा सोशल मीडिया पे आप पवन जी खेसारी जी के ऊपर जितना बात करते हैं करिए, आप राकेश मिश्रा का न्यूज पे बात करते हैं करिए, किसी की भी बात करिए, लेकिन माँ बेटी मेहरारू परिवार हर किसी का अपना है ना। हर किसी को दर्द होगा कि नहीं, आप एक बार गाली देंगे, दो बार गाली देंगे, 10 बार गाली देंगे, 20 बार गाली देंगे। आप गाली इसलिए दे रहे हैं ना कि यहां पे कोई कानून अभी नहीं है, अगर जिस दिन कानून आ गया तो आप क्या करेंगे। जातिवाद, देखिए भैया जातिवाद कोई नहीं रोक सकता है इस इंडस्ट्री में नहीं। इस इंडस्ट्री में जो जातिवाद घुस गया है वो जातिवाद कोई नहीं रोक सकता है। आप कितना भी रोकेंगे, कितना भी कहा जाता है कि मुर्दा घटिया पर सत्यनारायण भगवान के कथा कैला से केहू के दिमाग में नहीं घुसे वाला। ये इंडस्ट्रीज का हाल दूसरा हो गया है, ये अब गीत संगीत से नहीं चल रहा है, ये पूरा नरक मचा के। क्योंकि आप भोजपुरी, पहला भोजपुरी इंडस्ट्रीज बना है कि सुबह आंख खोलिए, यूट्यूब खोलते ही यूट्यूबर सब चढ़ा दिए हैं, उनको इन्होंने गाली दिया, इन्होंने उनको टारगेट किया, इन्होंने उनको नहीं बोल दिया, वो उनको नहीं जानते हैं। अरे क्या है भाई, भोजपुरी इंडस्ट्रीज को जिसने भी लेके चला था, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े हमारे, हम सबके गार्जियन मनोज तिवारी भैया है, रवि किशन भैया है, दिनेश लाल यादव जी हैं, क्या ये लोग कभी आके कहता है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर रोज न्यूज बना के बर्बाद कीजिए। जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बनाया है, जो यहां तक लाने में मेहनत किया है, वो आज भी अपना काम कर रहा है। लेकिन मेरा किसी से कोई पर्सनली ना द्वेष है, ना दुश्मनी है, कुछ नहीं। हम बोलते हैं हर बात कीजिए, गानों को सपोर्ट कीजिए, मत कीजिए, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, अगर आप मीडिया का नाम देते हैं, आप अपने आप को अच्छा बोलते हैं, चाहे वो कोई हो, जितने भी आज, लेकिन ये तो बात मानना पड़ेगा, अच्छा लगे या बुरा लगे, कि आज भोजपुरी स्टार का नाम बेच ही रहे हैं आप। आज जिस भोजपुरी स्टार को आप गाली दे रहे हैं, उसी भोजपुरी स्टार के बारे में आप दिन भर अगर नहीं बोलेंगे तो आपका चूल्हा नहीं जलेगा घर में, क्योंकि कुदारी आप घामा में जाके चलाएंगे नहीं, एगो पंखा चला के एसी रूम में बैठ के, चाहे जैसे भी अपने कमरा में बैठ के बकबक करना है,
और वहीं दिन भर करके आप लोग कमा रहे हैं बस, तो कमा रहे हैं तो उस भाषा का तो सम्मान कीजिए, उस कलाकार के परिवार को तो बकसिए। हम ही लाइव में आज आ गए बोल दिए तो हमको पता नहीं कि हम, आप 5 करोड़ गाली भी देंगे ना सटने नहीं आता है, लेकिन याद रखिएगा कि सम्मान और अपमान में बहुत फर्क होता है। अगर आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं तो सबके परिवार को सम्मान दीजिए। आगे आप जो बिजनेस करते हैं वो करिए, जिस परिवार को चलाने के लिए, अगर आप 2 पैसा कमाने के लिए ही ना किसी को गाली दे रहे हैं जी, किसी को भी गाली दे रहे हैं तो 2 पैसा कमाने के लिए ही ना। और मैं पवन भैया आपसे भी, खेसारी जी आपसे भी, सभी कलाकार बंधु से निवेदन करूंगा, इसके ऊपर प्लीज आंख बंद करना अब आप लोग बंद कीजिए। इसके ऊपर एक बार आपस में आप लोग को जितना भी कंपटीशन हो, माहौल हो, जो भी हो, लेकिन आपसी तालमेल बैठा के इस पे बात कीजिए आप लोग। ये इज्जत लुटाई रोज रोज अच्छा नहीं लग रहा है। इससे 1000 लोग पूछते हैं हम लोग से, सामने जाते हैं तो ये सब क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। और ये जितने भी लोग प्लानिंग करके बैठे हैं ना, लेके अपना अपना टुमड़ी, एक वो लैपटॉप, तो प्लीज ये सब चीजों से थोड़ा सा आप लोग समझिए। दर्शक बेचारा क्या, दर्शक का तो कुछ गलती ही नहीं है, दर्शक तो जो गाने सुनने वाले हैं वो गाने सुनते हैं, वो प्यार करते हैं। आप अपनी सारी बात रखिए, आप हर व्यक्ति को अधिकार है, अपना बात रखने का, बोलने का तरीका है, गाली देने का अधिकार नहीं है। गाली मेरा बस यही है कि चाहे आज खेसारी लाल यादव जी जो पोस्ट किए हैं, उनको बहुत दुख हुआ होगा तभी ना वो पोस्ट किए हैं। आप कलाकार के पर्सनल जीवन को लग रहे हैं पूरा ढिढोरा पीटने, ढोलक बजाने, आपको किसने अधिकार दिया है? कौन से कानून में लिखा है कि आप किसी के पारिवारिक जिंदगी को उल्टा सीधा बोलेंगे? ऐसा नहीं करिए भाई जी। आप लोग सब लोग एक परिवार हैं हम लोग, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, बस हम इतना ही बोलेंगे। जय हो भोजपुरी, जय हो श्रोता समाज, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और प्लीज आप लोग भी इसके लिए थोड़ा आगे आइए, जितने भी सुनने वाले श्रोता बंधु हैं आप लोग भी इस बात को समझिए, आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।